हेलो बच्चों, वेलकम टू एक्सलेंट एकेडमी कुराड़ी। एक्सलेंट एकेडमी कुराड़ी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में HSC 12th क्लास न्यू सिलेबस फिजिक्स का चैप्टर सेकंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूड ये अपना चैप्टर है। इस चैप्टर सेकंड का आज की इस वीडियो में इंट्रोडक्शन हम पढ़ने वाले हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूड। इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, फ्लूड क्या होता है और फ्लूड की प्रॉपर्टीज आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो ये इस चैप्टर सेकंड का लेक्चर नंबर 1 है। तो ये लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करने के पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल एक्सलेंट एकेडमी कुराड़ी को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, साथ साथ शेयर करें और बेल आइकन पे प्रेस करें ताकि आपको ऐसे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलो लेक्चर 1 स्टार्ट करते हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूड, इसका इंट्रोडक्शन, फ्लूड क्या होता है और उसकी प्रॉपर्टीज स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो इंट्रोडक्शन जस्ट फॉर कंसेप्ट है। तो आपको फ्लूड को समझना है, तो फ्लूड को समझने के पहले आपको मैटर को समझना पड़ेगा, मैटर सब्सटेंस को समझना पड़ेगा, मैटर की स्टेट को समझना पड़ेगा। तो देर आर थ्री स्टेट ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस या मैटर की जो होती है उसकी थ्री स्टेट होती है। और मैटर यानी क्या होता है आपको पता है, सब्सटेंस यानी क्या होता है आपको पता है। जिस किसी को भी मास होता है, जिसको अपन फील कर सकते हैं, उसको हम सब्सटेंस बोलते हैं। एंड एवरीथिंग अराउंड अस, हर कोई चीज़ जो अपने अराउंड में होती है उसको क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। तो देर आर थ्री स्टेट ऑफ मैटर। मैटर या सब्सटेंस की जो स्टेट होती है वो थ्री स्टेट होती है। एक होती है सॉलिड और लिक्विड एंड गैस। तो इनके बारे में तो आपको पता ही है कि सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, गैस क्या होता है। तो अमॉन्ग दिस थ्री स्टेट, इन सभी स्टेट में से सॉलिड जो होता है अब वो अपना शेप और वैल्यूम मेंटेन करके रखता है इवन इफ एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करो, इसका शेप और वैल्यूम इजीली चेंज नहीं होता, ये अपना शेप और वैल्यूम मेंटेन करके रखता है। ओके, क्यों मेंटेन करके रखता है, क्योंकि सॉलिड के जो पार्टिकल होते हैं, सॉलिड के जो मॉलिक्यूल होते हैं, उसके पार्टिकल के बीच का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है। इसलिए इसका शेप, साइज और वैल्यूम फिक्स्ड होता है इसका, सॉलिड का। लिक्विड और गैस, इनके बीच का इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसके जो मॉलिक्यूल होते हैं, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, इनके बीच का इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, ठीक है, इसलिए इनका शेप, इनका शेप फिक्स नहीं होता। तो लिक्विड एंड गैसेस, जो लिक्विड और गैस होते हैं, डू नॉट हैव देयर ओन शेप, इनका खुद का कोई शेप नहीं होता। इनका खुद का शेप क्यों नहीं होता, तो आपको पता है कि जिस शेप में चले जाते हैं उस शेप में हो जाता है। इनके मॉलिक्यूल के बीच का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत निग्लिजिबल होता है, और इनका खुद का कुछ शेप नहीं होता। एंड दे टेक अ शेप ऑफ कंटेनिंग वेसल, जिस वेसल या जिस कंटेनर में डाल देते हैं, अगर हम सिलेंड्रिकल कंटेनर में डाल देते हैं तो सिलेंड्रिकल शेप उस लिक्विड का बन जाता है, ठीक है। कोनिकल अगर फ्लास्क में डालते हैं तो कोनिकल फ्लास्क का शेप वो ले लेते हैं, मतलब वो जिस कंटेनर में डालते हैं तो वो शेप वो ले लेते हैं। तो लिक्विड एंड गैस डू नॉट हैव देयर ओन शेप एंड दे टेक शेप ऑफ कंटेनिंग वेसल। तो जो वेसल रहेगी, जो कंटेनर रहेगा, उसका वो शेप ले लेते हैं, ठीक है। ड्यू टू दिस, इसी के वजह से लिक्विड एंड गैस फ्लो अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। और इसी रीजन की वजह से कि एक्सटर्नल फोर्स के मतलब अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स ये लिक्विड और गैस क्या होते हैं, फ्लो होते हैं। तो लिक्विड और गैस ये फ्लो होते हैं, सॉलिड फ्लो नहीं होता, ये आपको याद रखना है। लिक्विड और गैस क्यों फ्लो होते हैं, क्योंकि उनके मॉलिक्यूल के बीच का इंटरमोलिकुलर, उनकी एक प्रॉपर्टी है, उनके मॉलिक्यूल की इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, और वो एक्सटर्नल फोर्स के एक्शन में वो क्या होता है, वो फ्लो हो पाते हैं। लिक्विड और गैस, द लिक्विड एंड गैस कैन फ्लो ड्यू टू देयर ओन वेट। ये जो लिक्विड और जो गैस होते हैं ये खुद के वेट की वजह से भी फ्लो होते हैं, याद रखना। एक्सटर्नल फोर्स की वजह से फ्लो होते हैं ऐसा नहीं है। आप प्लेन सरफेस के ऊपर, कोई एक प्लेन सरफेस है, मान लो ये प्लेन सरफेस है, इसके ऊपर अगर आप सॉलिड रखते हो तो वो खुद के वेट की वजह से फ्लो नहीं होगा, लेकिन इसके ऊपर अगर आप ऑयल या वाटर या कोई लिक्विड रखते हो तो वो फ्लो करना स्टार्ट करेगा, तो वो खुद के वेट की वजह से भी फ्लो करना स्टार्ट करते, ये भी आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज फ्लूड एंड उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो फ्लूड क्या होता है, तो फ्लूड कोई भी सब्सटेंस है जो डिफॉर्म होगा कंटिन्यूअसली, जो अपना शेप और साइज चेंज करेगा कंटिन्यूअसली, क्योंकि लिक्विड का कोई शेप नहीं होता, उसका शेप और साइज कंटिन्यूअसली चेंज होते रहता है। तो ऐसा सब्सटेंस विच डिफॉर्म का मतलब चेंज करेगा, क्या डिफॉर्म करेगा, क्या चेंज करेगा, तो क्या कंटिन्यूअसली चेंज करेगा,
तो अपना शेप और साइज चेंज करेगा। तो ऐसा सब्सटेंस जो कंटिन्यूसली डिफॉर्म होगा और एक तो फ्लो होगा अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। जब हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो वो एक तो अपने आप को डिफॉर्म करेगा या कंटिन्यूसली फ्लो होगा। तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड बोलते हैं। तो फ्लूइड इज अ सब्सटेंस विच डिफॉर्म कंटिन्यूसली, जो अपने आप को चेंज करेगा कंटिन्यूसली या फिर फ्लो करेगा अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। ओके, तो फ्लूइड इज अ फेज ऑफ मैटर। फ्लूइड मैटर की वो फेज है जो इंक्लूड करता है लिक्विड, गैसेस एंड प्लाज्मा। ये तो लिक्विड हो सकता है या गैसेस हो सकती है या प्लाज्मा, ये सभी मैटर की फेज को जो सब्सटेंस इंक्लूड करेगा उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड बोलते हैं। तो फ्लूइड इज अ फेज ऑफ मैटर, मैटर की वो अवस्था है जो क्या इंक्लूड करेगा, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। ओके, तो आपको समझ में आ गया कि फ्लूइड क्या होता है। तो फ्लूइड वो सब्सटेंस होता है जो अपने आप को डिफॉर्म करता है कंटिन्यूअसली, मतलब कंटिन्यूअसली अपना शेप और साइज क्या करता है, कंटिन्यूअसली चेंज करता है और फ्लो होता है अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड बोलते हैं। फ्लूइड मैटर की वो फेज है, वो अवस्था है जो इंक्लूड करती है लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। ठीक है, अगर सिंपल वर्ड में कहना चाहूँ तो फ्लूइड वो सब्सटेंस है विच कैन नॉट रेजिस्ट शेयर फोर्स अप्लाई टू देम। मतलब फ्लूइड वो सब्सटेंस है जिसको हम कोई फोर्स लगाते हैं, शेयरिंग फोर्स लगाते हैं तो उसको अपोज भी करता, मतलब वो अपना शेप चेंज कर लेता है। शेयरिंग फोर्स किसे बोलते हैं, जिस फोर्स से बॉडी का या सब्सटेंस का शेप और साइज चेंज होता है उसको बोलते हैं, उस फोर्स को बोलते हैं शेयरिंग फोर्स। तो हम जब फ्लूइड को, मतलब फ्लूइड वो सब्सटेंस है, मतलब ऐसा सब्सटेंस जिसको हम शेयरिंग फोर्स लगाएंगे तो उसको अपोज नहीं करेगा, वो अपना शेप चेंज कर देगा। ठीक है, तो ऐसे सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, हम फ्लूइड बोलते हैं। तो समझ में आ गया कि फ्लूइड वो सब्सटेंस है जो कैन नॉट रेजिस्ट, मतलब रेजिस्ट का मतलब अपोज नहीं करेगा कोई भी शेयरिंग फोर्स को जो उसके ऊपर अप्लाई करेंगे। तो ऐसे क्या है, तो एयर है उसका एग्जांपल, मतलब फ्लूइड के एग्जांपल जो होते हैं वो एयर है, वाटर, टूथपेस्ट, ओके, ईटीसी आर द कॉमन एग्जांपल ऑफ फ्लूइड, ये फ्लूइड के कॉमन एग्जांपल है। और मोल्टन जो लावा होता है वो भी एक फ्लूइड का ही एग्जांपल है, मोल्टन लावा। ओके, अब प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड की प्रॉपर्टीज क्या है, तो दे डू नॉट अपोज डिफॉर्मेशन। वो डिफॉर्मेशन मतलब उनका जो शेप और साइज चेंज हो रहा है तो उस डिफॉर्मेशन को, उनमें जो चेंज आ रहा है एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, तो उस डिफॉर्मेशन को वो अपोज नहीं करते। तो दे डू नॉट अपोज डिफॉर्मेशन, दे परमानेंटली डिफॉर्म, वो अपना शेप परमानेंटली डिफॉर्म कर देते हैं। ओके, दे हैव एबिलिटी टू फ्लो, तो फ्लूइड्स वो सब्सटेंस है जिनमें एबिलिटी होती है फ्लो करने की, ये इनकी प्रॉपर्टी है, दे हैव एबिलिटी टू फ्लो। दे हैव एबिलिटी टू टेक अ शेप ऑफ कंटेनर, वो जिस कंटेनर में चले जाते हैं उसका वो शेप ले लेते हैं, ये उनकी एबिलिटी है। तो दे हैव एबिलिटी टू टेक अ शेप ऑफ कंटेनर। अब फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होते हैं, तो हमको इस चैप्टर में जो पढ़ना है तो फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में ही पढ़ना है। इस चैप्टर में हमको जो पढ़ना है वो फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में पढ़ना है। अब मैकेनिक फ्लूइड तो समझ में आ गया कि फ्लूइड यानी ऐसा सब्सटेंस जो फ्लो होता है उसको हम फ्लूइड बोलते हैं। अब मैकेनिक्स क्या होता है, तो मैकेनिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें फोर्स और फोर्स से आने वाले इफेक्ट की जो स्टडी की जाती है उस ब्रांच को हम मैकेनिक्स बोलते हैं। व्हाट इज मैकेनिक्स, तो मैकेनिक्स यानी ब्रांच ऑफ फिजिक्स जिसमें फोर्स, प्रेशर, प्रेशर फोर्स और उससे आने वाले इफेक्ट की स्टडी की जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, मैकेनिक्स बोलते हैं। अब फ्लूइड मैकेनिक्स यानी क्या, फ्लूइड से रिलेटेड जो फोर्स रहेंगे उससे रिलेटेड जो फोर्स आएंगे उसकी इफेक्ट जो आएंगे उसकी स्टडी करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, फ्लूइड। तो फ्लूइड मैकेनिक्स के दो ब्रांच है, एक है स्टैटिक है, डायनामिक है। स्टैटिक में क्या होगा, तो फ्लूइड जो रेस्ट रहेगा, तो रेस्ट फ्लूइड के वजह से आने वाली जो प्रॉपर्टीज है जस्ट लाइक सरफेस टेंशन, तो उन सबकी स्टडी स्टैटिक में करेंगे। और डायनामिक यानी क्या होता है, जहाँ फ्लूइड मोशन में रहेगा यहाँ पे हम प्रेशर और फोर्स कंसिडर करेंगे। तो फ्लूइड जब मोशन में आएगा तो उस समय क्या क्या होगा उसके बारे में हम डायनामिक्स में स्टडी करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का टॉपिक पढ़ेंगे, आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके, ठीक है।